नमस्कार, मैं हूँ प्रदीप और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका अगर ब्लूटूथ माउस काम नहीं कर रहा है तो जो है आपको इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना है। दोस्तों, मेरे पास जो है एचपी का लैपटॉप है और उसमें जो है विंडोज 10 है। और दोस्तों, जब मैंने लैपटॉप खरीदा था तो जो है मैंने ब्लूटूथ खरीदा था इसके साथ कीबोर्ड माउस, और तो ये जो है वायरलेसली काम करता है एकदम। पर दोस्तों, कुछ दिनों से ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जो है ये माउस जो है एक्चुअली माउस तो परफेक्टली वर्किंग है। ये देखिए, आप इसमें लाइट जल रही है, मतलब माउस तो काम कर रहा है, बट शायद उसमें इंटरनली कोई ऐसा इशू था जिसकी वजह से जो है माउस रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, काम नहीं कर रहा था। तो दोस्तों, मैं क्या कर रहा था, बार बार जो है इस ब्लूटूथ को निकालता फिर लगाता, बट जो है फिर भी सोल्यूशन नहीं हो पा रहा था। पाँच छः बार निकालने के बाद ये वर्किंग करना चालू कर देता उस समय तक जब तक कि मैं कंप्यूटर को बंद नहीं करता। पर जो है फिर स्टार्ट करता कंप्यूटर लैपटॉप तो जो है फिर से यही इशू। तो गाइस, कुछ दिन तक तो ऐसा मैंने फेस किया, बट जो है फिर मैंने कहा इसको फिक्स करना ही पड़ेगा। तो जो है मैंने भी इसका एक सॉल्यूशन, मैंने इसके कुछ सेटिंग्स की और मेरा जो ये है परफेक्टली फाइन काम करने लगा। तो मैं आपको जो है पूरा ट्यूटोरियल देने वाला हूँ कि कैसे आपको इसको फिक्स करना है। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले अपना लैपटॉप या कंप्यूटर खोलना है, उसके बाद जो है आपको यहाँ क्लिक करना है स्टार्ट पे। इसके बाद यहाँ टाइप करना है पावर एंड स्लीप सेटिंग्स। जैसे ही ये आ जाए इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा एडिशनल पावर सेटिंग्स का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा चूज व्हाट द पावर बटन्स डू, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद जो है यहाँ एक ऑप्शन है शट डाउन सेटिंग्स का, टर्न ऑन फास्ट स्टार्टअप रिकमेंडेड। सो गाइस, इस ऑप्शन को आपको अनचेक करना है सबसे पहले। यहाँ चेन सेटिंग्स दैट आर करेंटली अनअवेलेबल पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ इस ऑप्शन को अनचेक कर दीजिए और यहाँ नीचे से सेव कर दीजिए। इसके बाद इसे बंद कीजिए और आपको यहाँ आना है माई कंप्यूटर पे और माउस पे राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ आपको डिवाइस मैनेजर का ऑप्शन मिलेगा, इसको क्लिक कर लीजिए। उसको क्लिक करने के बाद जो है यहाँ आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन मिलेगा, इसको क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, यहाँ पे अभी आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। मेरे पास जब मैंने ये सेटिंग्स की थी तो मेरे पास जो है सिर्फ एक ही ऑप्शन था और ऐसे 4 ऑप्शन नहीं दिख रहे थे। तो जो है आपको अगर एक दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो 2 और भी दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो भी ब्लूटूथ है, तो मेरा जो है रियलटेक ब्लूटूथ अडैप्टर है, तो मुझे जो है इसे अनइंस्टॉल करना है। आपका जो भी हो आप अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि मेरे सेटिंग्स कर चुका हूँ तो मैं आपको अनइंस्टॉल करके नहीं दिखाऊंगा। अनइंस्टॉल कर दीजिए। अनइंस्टॉल करने के बाद जो है आप सब क्लोज कीजिए और यहाँ पे आइए पावर बटन पे और शट डाउन कर दीजिए। आपको रीस्टार्ट स्टार्ट नहीं करना है, शट डाउन कर दीजिए। और आप जो है आपका जो ब्लूटूथ का जो हार्डवेयर वाला बटन है, मतलब जो आपने यूएसबी लगाया हुआ है ब्लूटूथ का, उसको निकाल लीजिए और शट डाउन कर दीजिए। थोड़ी देर बाद जो है अपना कंप्यूटर स्टार्ट कर दीजिए, ऑन कर दीजिए और ये ब्लूटूथ का जो अडेप्टर जो है उसको फिर से यूएसबी में लगा दीजिए, तो जो है दोबारा से ये इंस्टॉल हो जाएगा। इस तरह ये आपकी प्रॉब्लम जो है 100% फिक्स हो जाएगी और आपका माउस परफेक्टली फाइन काम करने लगेगा। तो ये था इसका सोल्यूशन। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो। सो गाइस, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। गाइस, आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।